यहां दरवाजा तोड़। तो फाइनली आ चुके मास्टर बनाचा आई देवगन के एक और एपिसोड में वापिस। तो वही देखने वाले हैं अब तक टोटल ऑफ कितनी एडवांस बुकिंग है वो हो चुकी है, क्या हमें जो एक्सपेक्ट था कि इतनी हमें स्पीड है वो देखने को मिलेगी, एंड सिंगम एडवांस जैसे ही ओपन होगा हमें बवाल देखने को मिलेगा, एंड सडनली हमें इतना बड़ा नंबर है वो देखने को मिलेगा, क्या भाई ऐसा हमें देखने को मिला या फिर नहीं, एंड लास्ट में देखेंगे टोटल ऑफ नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में कितने टिकट्स हैं वो अब तक सोल्ड आउट हैं वो हो चुके हैं। देखो आज सुबह फुल फ्लैज हमें एडवांस है वो ओपन है वो देखने को मिला, सुबह भी कहाँ भाई 11-12 बजे के आसपास हमें देखने को मिला, एंड अभी लगभग 8000 से ज़्यादा शोज़ हैं। बुक माई शो की बात करें 4-5 हज़ार के आसपास हमें पर हवर टिकट्स हैं वो हमें सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रहे हैं, क्या ये रफ्तार ठीक ठाक है या फिर हमें इससे ज़्यादा चाहिए थी या फिर ये काफ़ी ही ज़्यादा कम है। देखो अगर आप मुझे पूछोगे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो कहना होगा कि मैं इसको कोई बड़ा नंबर भी नहीं देख रहा हूँ एंड काफ़ी कम नंबर भी नहीं है। जो भी आज के मतलब जो भी अब तक एडवांस कलेक्शन किया है सिंगम अगेन है वो आज के दिन ही किया है, जो कि अभी कल पूरा दिन है फिल्म के पास। आप देखोगे लास्ट फिल्म जो आई थी दिवाली में पिछले ईयर की बात करें टाइगर 3 कितना एडवांस था 20-22 करोड़ समथिंग अराउंड, ये कुछ एडवांस बुकिंग थी। तो आप देखोगे यहाँ पे क्लैश है तो क्लैश के साथ ये सब करेक्शन करना तो आई थिंक सो अभी ठीक ठाक स्पीड है वो हमें देखने को मिल रही है, काफ़ी बढ़िया भी नहीं है एंड काफ़ी स्लो भी नहीं है अगर मैं दोनों फिल्मों की बात करें। बट अभी भूल भैया देखा जाए उनका एडवांस कंपैरिजन टू सिंगम 3 भाई ज़्यादा है, बट उन्होंने कई सारे भाई ऑफर भी दिए हैं, कई सारे उनके फ्री ऑफर थे कल के दिन हमने देखा, आज अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा टी सीरीज ने अगेन ऑफिशियली कन्फर्म किया कि एक कोट शायद फ्री टिकट था या फिर 100% कैशबैक, अभी मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया, मैं पोस्टर ये लगा दूंगा साइड पे था कुछ यार मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने एक और ऑफर है वो दिया है दिवाली का। तो सिंगम 3 की बात करें इन्होंने अब तक की बात करें कोई भी ऑफर है वो नहीं दिया है अपने फैंस को अपने ऑडियंस को, जो कि आप मुझे पूछोगे तो भाई सही भी किया उन्होंने भाई, अभी फर्स्ट ऑफ वीकेंड है फिल्म का, आपको प्राइस हैवी रखना चाहिए कि दिवाली आ रही है तो अच्छा प्राइस के साथ आपको मैदान पे उतरना चाहिए, तो फ्री ये सब देने की ज़रूरत नहीं है और ओपनिंग वीकेंड में ऑडियंस वैसे भी आएगी, तो ये कहना होगा कि चलो उनकी चॉइस है भाई जो वो करे, सिंगम 3 भाई इनकी चॉइस है ये सब मेकर्स करे। नाउ सबसे पहले एडवांस कलेक्शन वो देख लेते हैं अब तक मामला वो कहां तक जा चुका है। देखो हमने लास्ट बार अभी डिस्कशन किया था 3 बजे एंड 3 बजे डेटा और अभी हम बात कर रहे हैं 5 बजे, दोनों का कंपैरिजन करने वाले कि हमें पिछले 2 घंटे में कितना एडवांस कलेक्शन है वो देखने को मिला है एंड स्टेट वाइज डेटा वो देखने वाले हैं। महाराष्ट्र 1500 शोज हैं 11% ऑक्युपेंसी एंड फाइनली 1 करोड़ से भाई ज़्यादा मामला को जा चुका है ओनली फॉर महाराष्ट्र 1.10 CR एंड 27,725 टिकटें वो बिक चुकी हैं एंड 3 बजे 87 लाख एडवांस था शोज नियरली 92 लाख एडवांस था एंड 1300+ शोज थे। तो या शोज में हमें अच्छा खासा जंप है वो देखने को मिला इवन नंबर्स में भी। गुजरात की बात करें 1440 शोज 9% ऑक्युपेंसी एंड 63 लाख एडवांस है और 18,851 टिकटें वो बिक चुकी हैं, जो कि 1250 शोज था गुजरात के अंदर। तो ये आप 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हमें शोज में अच्छा जंप है वो देखने को मिला है 52 लाख एडवांस और एज ऑफ नाउ 63 हो चुका है, तो 11 लाख एडवांस में हमें जंप है वो देखने को मिला है। नेक्स्ट बेस्ट बंगाल 384 शोज है 12% ऑक्युपेंसी 17 लाख एडवांस है एंड 8,925 टिकटें वो बिक चुकी हैं, जो कि 13 लाख एडवांस था 3 बजे। तो यह थोड़ा सा हमें जब देखने को मिला है बट क्या वेस्ट बंगाल में शोज काउंट काफ़ी भाई स्लोली आके जा रही है। हाँ 400 शोज़ है भाई और ज़्यादा उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, 300 के आसपास शोज़ तो भूल भैया 3 के पास भी है। यूपी की बात करें 698 शोज़ है नियरली 700 शोज़ 10% ऑक्युपेंसी 29 लाख एडवांस हो चुके हैं एंड 10,564 टिकटें वो बिक चुकी हैं एंड नियरली 24 लाख एडवांस था 3 बजे। तो यह अभी 29 हो चुका है, ज़्यादा कुछ जंप तो नहीं है, जो हमें उम्मीद थी भाई इवनिंग के टाइम एटलीस्ट हमें बड़ा जंप देखने को मिलेगा वो हमें देखने को नहीं मिला, इवन इवनिंग के टाइम भाई हमें थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिला है।
हमें 11 से लेके 1 बजे के बीच में जो एडवांस हुआ, अभी वो स्पीड हमें देखने को नहीं मिल रही है। एक्सपेक्ट था जंप होगा बट नहीं भाई, हमें गिरावट है वो देखने को मिल रही है। नेक्स्ट दिल्ली यूटी 1084 शोज हैं, तो यह महाराष्ट्र, गुजरात एंड दिल्ली तीनों स्टेट में अभी 1000 से भाई ज्यादा शोज काउंट है वो जा चुके हैं। 7% ऑक्युपेंसी है, थोड़ी डिसेंट है, 58 लाख एडवांस है एंड 11000 से भाई ज्यादा टिकटें वो बिक चुकी है। देखो दिल्ली मुझे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी, कहना होगा कि ये थोड़ा भाई डिसेंट एडवांस जाता हुआ दिखाई दे रहा है, केवल ओवरऑल 7% ऑक्युपेंसी दिल्ली में, थोड़ा डिसेंट है। उम्मीद करते हैं कि अलवर टाइम में हमें यहाँ पे जंप है वो देखने को मिलेगा। MP 410 शोज है, 10% ऑक्युपेंसी, 15 लाख एडवांस है एंड 6645 से ज़्यादा टिकटें वो बिक चुकी हैं। एंड MP में इससे पहले लगभग 11 लाख एडवांस था, अभी 15 हो चुका है भाई, 4 लाख हमें और इंक्रीज वो देखने को मिला है। राजस्थान 415 शोज है, 10% ऑक्युपेंसी, 22 लाख एडवांस है, 6626 से ज़्यादा टिकटें वो बिक चुकी हैं एंड राजस्थान में इससे पहले 21 लाख था भाई, 2 घंटे में केवल 1 लाख एडवांस हुआ है। एंड हाँ शोज भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए, 390 थे अभी 415 हो चुके हैं। तमिलनाडु 140 शोज हैं, इससे पहले 130 थे, 26% ऑक्युपेंसी, 10 लाख एडवांस हो चुका है, पहले 8 था, तो यार 2 लाख हमें और जंप देखने को मिला है एंड 6000 से भाई ज़्यादा टिकटें वो बिक चुकी है, 6900 प्लस टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट। ये कुछ मेन मेन स्टेट वाइज का नज़ारा है। सिटी वाइज देखें तो मुंबई में 840 शोज है, 13% ऑक्युपेंसी एंड 87 लाख एडवांस हो चुका है एंड 19823 टिकटें वो बिक चुकी हैं। महाराष्ट्र में टोटल 1,10,00,000 एडवांस है एंड उसमें से मुंबई 87 लाख, सुपर रिस्पॉन्स मिला है मुंबई के अंदर। दिल्ली NCR 1084 शोज है भाई, दिल्ली में आप देखोगे शोज काफ़ी भर भर के मिले हैं, 6% ऑक्युपेंसी है, डिसेंट है भाई। जिस मैंने उसको कहा कि भाई दिल्ली में वो हमें रफ्तार, वो हमें स्पीड, वो हमें नंबर से वो देखने को नहीं मिला जो हमें उम्मीद थी, 57 लाख एडवांस है एंड 11000 से ज़्यादा टिकटें वो बिक चुकी हैं। एंड नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स की बात करें, PVR INOX सिनेपोलिस, तो PVR INOX में 44,684 टिकटें बिक चुकी हैं एंड 1.90 CR एडवांस हो चुके हैं एंड सिनेपोलिस में 8500 टिकटें बिक चुकी हैं, 8,500 एंड 35 लाख एडवांस हो चुका है एंड टोटल टिकट्स 53,184 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट। तो फाइनली नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स में 50,000 से भाई ज्यादा टिकटें अब तक बिक चुकी हैं एंड 2.25 CR एडवांस भी हो चुका है ओनली PVR सिनेपोलिस एंड INOX के अंदर। एंड टोटल एडवांस की बात करें अब तक हो चुका है 3.81 CR, नियरली 4 करोड़ के आसपास एंड 1.19 लाख टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, 1,19,000 से ज्यादा टिकटें वो बिक चुकी हैं एंड ऑल ओवर इंडिया में 8,000 से ज्यादा शोज में एडवांस ओपन है वो कर दिए गए हैं। क्या अब ये फुल फ्लैज ओपन हो चुका है? देखो जो मैंने मैक्सिमम प्लेसेस में देखा है, ऑलमोस्ट छोटे छोटे विलेजेस, छोटे छोटे सिटी, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट एडवांस ओपन हो ही चुका है। हाँ कोई ये अभी जो वीडियो देख रहा है आपके प्लेस में बताना मेरे को कि एडवांस ओपन हो चुका है या फिर नहीं, बट मैक्सिमम मेरे ख्याल में ओपन हो ही चुका है, 8,000 शोज कम नहीं होते हैं। आप देखोगे गदर 2 क्लैश था OMG 2 के साथ और भी साउथ की 2 फिल्में थी, तो 11,000 शोज थे ओपनिंग डे के लिए, ऑलमोस्ट 11,000 शोज में गदर 2 ने जो लाइफ टाइम कमाई की है, ओपनिंग वीकेंड में थे 11,000 शोज, आगे फिर वो कम हो चुके थे, OMG 2 ने अच्छी कमाई की थी एंड 8,000 मिल चुके हैं एंड हमें उम्मीद है कि शायद 12,000 के आसपास इतने कुछ फाइनल शोज़ हैं वो जा सकते हैं सिंगम अगेन के, 12,000 समथिंग अराउंड एंड 10,000 के आसपास शोज़ इर्द गिर्द हियर देयर जा सकते हैं यहाँ पे भूल भैया 3 के, 12 से लेके 14,000 के आसपास ये कुछ हमें उम्मीद है, लेट्स सी देखते हैं। एंड 12,000-14,000 शोज़ मेरे भाई कम नहीं होते हैं। एंड अभी मैंने देखा भाई मुंबई के अंदर गेटी, ये आप सभी के सामने ही है भाई, गेटी के चारों शोज़ हैं एज ऑफ नाउ हमें फास्ट फिलिंग नज़र है वो आ रहे हैं, ये देख लो भाई आप सभी के सामने ही, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है वो मिल रहा है। जो गैलेक्सी शोज है वो भूल भैया 3 के पास है, गेटी शो ये यहाँ पे सिंगम अगेन के पास है। इवन राजमंदिर वाले शोज की बात करें जयपुर, तो तीनों के तीनों शोज है हमें फास्ट फिलिंग नजर है वो आ रहे हैं, बट जो सुबह वाला शोज है अभी वो खाली भी है, अच्छी खासी टिकटें अभी सोल्ड आउट होना बाकी है, जो कि आफ्टरनून एंड जो इवनिंग वाला शो है, तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी भाई टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट है वो देखने को मिल रहे हैं। इवन जो आफ्टरनून वाला शोज़ है ये ऑलमोस्ट अभी हाउसफुल है वो होने वाला है।
ये कुछ भाई सीन सिनेरियो है। अब तक एडवांस बुकिंग की बात करें शाम के 5 बजे तक, अभी मिलेंगे हम रात के 8 बजे, देखते हैं भाई तब तक ये मामला वो कहां तक जा पाता है। अभी कितना हुआ है 3.81 सीयर। उम्मीद करते हैं कि जब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे तो ये मामला 5 करोड़ से भाई ज़्यादा है वो जाना चाहिए एटलीस्ट। लेट्स सी, देखते हैं कि जा पाएगा या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए